ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हेल्थ फर्स्ट में। दर्शकों, आज हम स्टोन यानी कि पथरी पर चर्चा कर रहे हैं। उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विनय तोमर जी। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूंगा, हम पथरी पर इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं, पथरी का निदान किस तरह किया जा सकता है? सबसे पहले तो लक्षण है जो मरीज को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं जी। उन लक्षणों के हिसाब से डॉक्टर इन्वेस्टिगेशंस करते हैं जी। उन जांचों में सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे सरल जांच है अल्ट्रासोनोग्राफी जी। गुर्दे की या पेशाब की थैली की अल्ट्रासोनोग्राफी या पूरे पेट की अल्ट्रासोनोग्राफी, समय पता लग जाता है कि ये व्यक्ति गुर्दे की पथरी से ग्रसित है और पथरी कितने साइज की, किस लोकेशन पे, कहाँ पर है, सब उसका पता लग जाता है जी। एक बार जब हमें ये लग जाए कि गुर्दे की पथरी पेशेंट को है तो आगे ट्रीटमेंट के लिए कुछ और निदान की जरूरत पड़ती है जी। जिसमें कि एक्सरे है, इंटरवीनस पायलोग्राफी है, सीटी स्कैन है, ये सब चीज़ें और यूरिन एग्जामिनेशन है जी। इनकी जरूरत पड़ती है, इनसे पूरी बीमारी का पता लग पाता है जी। तो डॉक्टर साहब, आपने बता तो दिया कि किस तरह इसका निदान किया जा सकता है यानी कि बीमारी का पता लगाया जा सकता है, लेकिन उपचार किस तरह करेंगे डॉक्टर साहब इसका? उपचार के इसमें कई तरीके हैं, दो बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी में मैं इनको विभाजित कर सकता हूँ। एक तो कंजर्वेटिव है, कुछ ड्रग्स हैं आजकल बड़ी इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं जो स्टोन की साइज को देख के और उसकी लोकेशन को देख के प्रिस्क्राइब की जाती हैं, उनसे स्टोन अपने आप निकलना या उसको निकालने में ये सहायता करती हैं। ये टैबलेट फॉर्म में भी हैं, कुछ पीने की दवाइयाँ भी हैं और एक्सेस ऑफ वाटर, ये सारी चीज़ें कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में आती है। पर ये पहले देख लेना चाहिए कि मरीज़ के पथरी किस जगह पर है और किस शेप की है और किस साइज़ की है। दूसरा जो है, अगर ऐसा लगता है कंजर्वेटिव तरीकों से नहीं निकल पाती है या दवाइयों से नहीं निकल पाती है, तो ऑपरेशन ही इसका एक चारा रह पाता है। और ऑपरेशंस में किडनी किस जगह ये पथरी है और वही साइज़ कैसी है, किस तरह की पथरी है, उन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। जो ऑप्शंस मैं बता रहा हूँ आपको उनमें आप देख लीजिए कि एक तो किरणों से शरीर के बाहर से किरणें अंदर डाल के तोड़ी जा सकती है, कभी कभी दूरबीन जो है वो कमर के साइड से डाल के और उसको स्टोन को निकाला जा सकता है, कभी पेशाब के रास्ते से दूरबीन डाल के पेशाब के रास्ते से पथरी निकाली जा सकती है, और लेप्रोस्कोपी तरीके से भी कभी भी पथरी निकाली जा सकती है। और आजकल तो इतने फाइन इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं बायो इंजीनियरिंग की वजह से कि पेशाब के रास्ते से अगर दूरबीन डालें तो वो दूरबीन गुर्दे के अंदर भी किसी कोने में छुपी हुई पथरी को भी देख के और वहाँ तोड़ के और निकाल सकती है जी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बड़ी वो हैं। पहले इन सब चीज़ों के आने से पहले ये ओपन सर्जरी जिसको कि चीरा देके कहते थे उससे की जाती थी, वो चीरा बहुत पेनफुल भी होता था, टाइम भी पेशेंट को बहुत लगता था अस्पताल के अंदर, बाद में भी कॉम्प्लिकेशन होते रहते थे, लेकिन धीरे धीरे गुर्दे दूरबीन से निकालना शुरू हुआ, फिर किरणों से निकालना शुरू हुआ, और उसके बाद लेप्रोस्कोपी भी आई और फिर ये फ्लेक्सिबल यूरेट्रोस्कोप और रिजिड यूरेट्रोस्कोप, ऐसे कई टेक्निक्स आई, इन सब के द्वारा हम उपचार कर सकते हैं जी। डॉक्टर साहब, अक्सर कहा जाता है कि लेज़र जो टेक्निक का आपने नाम बताया, किरणों से पथरी को तोड़ा जाता है, तो वो कितनी सेफ होती है, क्योंकि बड़ी मिथ्या है उसे लेकर लोगों के मन में। लेज़र एक्चुअली एक एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी है जी। जो स्टोन तोड़ने काम आती है जी। स्टोन पहुंचने के लिए अपने को दूरबीन या इस तरह की चीज़ों की जरूरत पड़ती है जी। जैसे गुर्दे की पथरी है वो PCNL टेक्निक से किया जाता है जी। वो उस टेक्निक से हम गुर्दे के अंदर दूरबीन डाल के पहुँचते हैं, वह स्टोन को लेज़र से तोड़ते हैं। तो लेज़र एक तरीका है तोड़ने का, और भी कई तरीके हैं, न्यूमेटिक है, बैलिस्टिक है, और भी कई तरीके हैं, अल्ट्रासाउंड है, ये भी तोड़ने के तरीके हैं, पर लेज़र का थोड़ा सा प्रिसाइज और सुरक्षित होता है। खास तौर से गुर्दे की नलियाँ की जितनी पथरियाँ होती हैं, गुर्दे की नलियों में अगर हम दूरबीन डाल के लेज़र तोड़ते हैं तो बहुत आसानी से बहुत सही तरीके से तोड़ देती हैं जी। डॉक्टर साहब, बहुत बार देखा जाता है कि जब मरीज ऑपरेशन करवा लेता है पथरी का, उसके बाद भी पथरी दोबारा हो जाती है, तो क्या कारण होते हैं उसके पीछे, वो जानना चाहूँगा आपसे। ऐसा देखा गया है कि पहली बार अगर स्टोन निकलता है जी तो 50% चांसेस 10 साल में दोबारा स्टोन होने के होते हैं जी। लेकिन अगर कोई जल्दी स्टोन होता है जी तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं जी। कभी कभी कोई इन्फेक्शन या कोई छोटा मोटा रेजिडुअल फ्रैगमेंट भी रह जाता है जी, उसके ऊपर भी ग्रो कर जाता है जी। पर किसी किसी मरीज़ के अंदर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है जी, या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं, वो जांचों से पता लगाते हैं, उनमें बार बार बनने की संभावना रहती है जी। तो ऐसों में कई सारी बीमारियां हैं, जैसे हाइपर पैराथायरॉइडिज्म बीमारी है, किसी को हाइपर ऑक्सिलेरिया होता है, किसी को रिनल ट्यूबरक्लोसिस रिनल ट्यूबर एसिडोसिस होती है, ऐसे बहुत से नाम हैं, बहुत से सिंड्रोम्स हैं जिनको हम
स्टोन एनालिसिस से और बहुत सी जांचों के बाद डायग्नोस करते हैं और फिर उनको ठीक करते हैं। जी, तो डॉक्टर साहब, वो पथरी दोबारा ना बने उसके लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, वो जानना चाहूँगा। वो दोबारा ना बने उसके लिए मैं आपसे पहले भी व्यक्त कर चुका हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसका कारण पता कराना। अगर वो मेटाबॉलिक इवेल्यूशन में कोई कारण नज़र आता है तो उसके हिसाब से उसका इलाज किया जाए, उसके हिसाब से कुछ दवाइयाँ आती हैं, वो दवाई दी जाती हैं ताकि उस पर्टिकुलर व्यक्ति में वो पथरी दोबारा ना बने। लेकिन ज़्यादातर कैसे में जिसको आइडियोपैथिक बोलते हैं, हमें कारण पता लगता नहीं है, उनमें पानी ज़्यादा पीने से यूरिन आउटपुट 2 से 3 लीटर रखने के अलावा कुछ डाइटरी रेस्ट्रिक्शन करने से बचाव किया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, अभी के लिए एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, सुमन जी हैं अलवर से। सुमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल पूछिए। सुमन जी, अपना सवाल पूछिए। आवाज कम। हेलो जी, सुमन जी अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए सुमन जी। हेलो डॉक्टर साहब, ये मेरे पथरी है तो दूरबीन से निकालना। आपकी पथरी किस? तो दूरबीन से निकालना सही रहेगा या फिर पथरी ऑपरेशन? पित्त की थैली में पथरी है। पित्त की थैली के अंदर, पित्त की थैली को निकाला जाता है और ये दूरबीन से निकालना उचित रहेगा। जी डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि पथरी जो है वो और रोगों का भी जनक हो सकती है, नहीं हो सकती है? अगर बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। अगर लंबे टाइम तक कोई पथरी रहती है और साइलेंट होती है और पता नहीं चल पाता तो गुर्दे को नुकसान कर सकती है। दोनों गुर्दों में अगर पथरी है, दोनों गुर्दों को नुकसान हो गया तो किडनी फेलियर हो जाता है और अल्टीमेटली पेशेंट्स को डायलिसिस और ट्रांसप्लांट तक ले जाता है इस तरह का। जी डॉक्टर साहब, बहुत बार देखा गया है कि लोग जागरूक नहीं होते पथरी को लेकर, वो अवॉइड कर देते हैं पथरी को, वो सोचते हैं कि यूं ही निकल जाएगी, तो अवॉइड करना कितना खतरनाक हो सकता है लोगों के लिए, वो जानना चाहूँगा आपसे। मैंने जैसे भी आपको बताया कि अगर स्टोन का पता लग जाता है तो व्यक्ति को वॉचफुल रहना चाहिए कि स्टोन निकल जाए और कोई भी गुर्दे में नुकसान ना करे। जी अगर 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 आप किसी भी यूरोलॉजिस्ट से बात करेंगे तो वो आपको इस तरह की पूरी सलाह देगा, क्योंकि अल्टीमेटली अगर स्टोन पड़ा रहता है, साइलेंट रहता है, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है जी, और वो पर्टिकुलर उस साइड वाले गुर्दे को ख़राब कर सकता है। जी डॉक्टर साहब, से आखिरी में बिल्कुल शॉर्ट में जानना चाहूँगा, जिन लोगों को पथरी ना हो लोगों को, उसके लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे सभी लोगों को? मैंने यही कहा है कि जिन स्पेशली उन लोगों को जिनके फैमिली हिस्ट्री स्टोन की होती है, वो थोड़ा सा अपना जो खाने पीने का रिस्ट्रिक्शन है और फ्रूट इनटेक और हॉट क्लाइमेट में ना रहें, और अगर कोई भी सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो टाइमली उसका निदान करें, उसको पता लगाएं और उससे मुक्त हों, यही मेरा सलाह है सबके लिए। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि हमारे शो आपको बहुत पसंद आया होगा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए और हमारे देश को इतनी जानकारी देने के लिए। थैंक यू। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं अपनी बीमारी से संबंधित कोई भी जवाब, तो अभी हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है healthfirst@firstindianews.com। दोस्तों, अगले शनिवार फिर किसी नई बीमारी के इलाज के साथ एक बार फिर से होगी आप सभी से मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।